सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री शिक्षक कमाओ योजना में आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपको बता दूं, अगर आपको मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र BH2 के और मुख्यमंत्री शिक्षक कमाओ योजना के ऑनलाइन आवेदन करना है तो ये हमारी ही शॉप है, इस पर आप जाकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर अपना ऑनलाइन आवेदन भरवा सकते हैं बिना कोई झंझट के, बिना कोई परेशानी के। ठीक है, घर बैठे अपना ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, तो एक बार सेवा का जरूर मौका दीजिएगा। ठीक है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपका आवेदन फॉर्म हो जाएगा। तो और आज हम मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के बाद हम शिक्षक कमाओ योजना का आवेदन आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट और सही तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है मुख्यमंत्री शिक्षक कमाओ की। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी पंजीयन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद मैं योजना का अवलोकन कर लिया है, मैं इसके लिए पात्र या पात्रता रखती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर समग्र आईडी मेन, यहाँ पर आपको समझ लेना है कि समग्र आईडी अगर आपकी KYC नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। KYC करवाना जरूरी नहीं, उसको वेरीफाई भी करवाना है। ठीक है, KYC वेरीफाई होने के बाद ही यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि KYC में आपको मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम KYC डाल देते, KYC कर लेते हैं। KYC करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर सत्यापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही आपके समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो आपका ले लेगा। यहाँ पर हमने OTP भेज दिया तो यहाँ पर हम OTP फिल कर देते हैं। ठीक है, OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सत्यापित करें और आगे बढ़े विवरण पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका डाटा स्वतः ही ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देना है, व्हाट्सएप पर जानकारी चाहिए और समग्र आईडी मोबाइल नंबर पंजीकृत है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल दें। मेन बात है कि कल जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी सत्यापित करने का बोल रहा होगा, परंतु अब उन्होंने ये ऑप्शन हटा दिया क्योंकि ईमेल आईडी में कुछ क्या है कि सर्वर प्रॉब्लम थी जिसके कारण से उन्हें OTP नहीं मिल रहा था किसी को। ठीक है, OTP नहीं मिलने के कारण उन्होंने ये ऑप्शन ही हटा दिया है। तो यहाँ पर आप जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर तीनों घोषणाओं पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है और यहाँ पर हमारे मोबाइल पर, मोबाइल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप पर भी जो हमने रजिस्टर्ड था उस पर हमारा आईडी पासवर्ड आ चुका है। चलिए हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आईडी पासवर्ड आ चुका है। ये तीन जगह आएगा, एक आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, एक आपके व्हाट्सएप पर आएगा और जो आपने ईमेल आईडी दी है उस पर भी आएगा। तो चलिए इसके बाद हम लॉगिन करने की प्रोसेस देख लेते हैं, वो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि लॉगिन में आपको पूरी जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लॉगिन करके अप्लाई कैसे करना है। तो अभी तक आप अपना पंजीयन करके रख लीजिए, शाम तक या कल आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक भी गलत जानकारी नहीं देना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको अपना घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करवाना है मुख्यमंत्री शिक्षक कमाओ योजना और जनसेवा मित्र का, तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।